स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट गुड। मुझे आशा है कि आप सब लोग घर पे सेफ होंगे, अच्छे होंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, और घर पे रहते रहते आपको थोड़ी स्टडी भी करनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो हमारा अभी जो न्यू लेसन है ग्रामर का, वो भी चैप्टर नंबर 6 एंड योर चैप्टर नेम इज़ द प्रोनाउन। स्टूडेंट्स पहले हमको ये देखना है कि प्रोनाउन होता है तो वो क्या होता है। तो प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स, वो जो है एक पार्ट है किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद से हमें देखना है स्टूडेंट्स कि प्रोनाउन को हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हूँ कि राम इज अ गुड बॉय, राम लिव इन द मुंबई, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इट्स मैंगो। तो इतने सेंटेंस में मैंने कितने बार राम यूज किया, 4 बार यूज कर लिया स्टूडेंट। तो क्या आपको बार बार राम नाम लेने में क्या इरिटेटिंग नहीं होगा? यस ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। तो इससे स्टूडेंट्स हम एक ही नाम को बार बार यूज ना करें के हम किसी ऐसे जो है वर्ड को यूज करते हैं उसके प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अभिराम के जगह हमने ही लगा दिया, तो ही क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन द योर बुक, यस यू हैव लर्न्ड दैट वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अभी कितने प्रकार के जो है प्रोनाउन्स होते हैं। तो देयर आर, यहाँ पे आपके बुक में 9 जो है काइंड्स बताए गए हैं प्रोनाउन के। तो पहला स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज द पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 6th इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड 7th इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन, 8th इज द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड स्टूडेंट्स 9 इज द इम्फेसिजिव प्रोनाउन। सो अकॉर्डिंग दिस स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दिस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 1 by 1 इन अ डिटेल। सो लेट स्टार्ट, फर्स्ट वन इज द, पहला जो है स्टूडेंट्स वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके प्रोनाउन दैट, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा प्रोनाउन होता है, ऐसा सर्वनाम होता है दैट टेक द प्लेस ऑफ द पीपल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो मीन्स क्या होता है, किसी भी प्लेस या पीपल्स के थिंग्स के बारे में कोई प्लेस लेता है, उसके स्थान पे हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक नोट है, सिंस पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। यस पर्सनल जो प्रोनाउन होता है वो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। दे मस्ट बी सेम नंबर, उनके नंबर जेंडर जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एंड पर्सन्स इज द नाउन्स दे आर दे स्टैंड फॉर, जिसके लिए वो क्या होते हैं, स्टैंड हैं। यस वी यूज पर्सनल प्रोनाउन डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स जेंडर पर्सन एंड केस। इससे स्टूडेंट्स देखें कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर्स पे, कि हमने कितने नंबर, सिंगुलर नंबर लिया है कि प्लूरल नंबर लिया है, उसके बाद से जेंडर फीमेल है कि मेल है, उसके बाद से जो है पर्सन, पर्सन के क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, इस तरह से केस, केस नॉमिनेटिव केस है कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह से अभी हम इसमें जो है ये देखने जा रहे हैं। तो ये जो मान लो नंबर, जब सिंगुलर या प्लूरल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रेन वेंट टू अ पार्टी, तो यहाँ पे अ पार्टी है और यहाँ पे द चिल्ड्रेन है, मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके लिए जो हम नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो होगा दे। चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दे यूज करेंगे। ऐसे ही अगर जेंडर के बात बोलें, मेल फीमेल, तो महिमा, महिमा क्या है, गर्ल है, तो उसके लिए क्या होगा, सी लगेगा। ऐसे ही पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, तो आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, तो आई जो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और दे क्या है स्टूडेंट्स, दे अरेंज एग्रीड टू मीट अस एट 8 AM,
तो ये दे क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है यस थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इस तरह से प्रैक्टिस वन देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस वन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। यस चूज सुटेबल प्रोनाउंस एंड द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यस हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैटर। उसके बाद से माय टीचर एंड आई, मी एंड माय टीचर, तो इसमें से क्या होगा, यस आई हैव, यस इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या होगा, यस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो होगा मी एंड माय, माय हैव ऑलरेडी डिस्कस माय टीचर, यस हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैटर। तो इस तरह से इसमें हमें जो है क्या करना है, चूज सुटेबल प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन को हमें चूज करने और फिल द ब्लैंक्स को भरने हैं। अभी सेकेंड जो है स्टूडेंट्स वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव मीन्स पॉसेस विथ अस, मीन्स हमारे साथ, तो चीज़ें क्या होती है पोजिशंस बताती है। जैसे देखिए प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस होता है वो प्रोनाउंस होता है स्टूडेंट्स दैट शोज द पोजिशंस आर नोन एज अ पोजेसिव प्रोनाउंस, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। रीड द सेंटेंसेस, दिस चेयर इज माइन, कि ये चेयर क्या है मेरी है। दोज बुक्स आर देयर्स, वो बुक्स किसके हैं उसके हैं। द हाईलाइटेड प्रोनाउंस, सो पोजेशंस आर बिलोंगिंग, ये जो हाईलाइटेड प्रोनाउंस है वो सोच दिखाते हैं क्या प्रो जो है पोजेशंस दिखाते हैं, आर बिलोंगिंग मीन्स किस से बिलोंग करता है वो चीज़ें उसके बारे में पोजेशंस को बताते हैं। जैसे दिस चेयर इज माइन, ये मेरी चेयर है, तो माइन क्या हुआ पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। ओके स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या करने हैं, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट जो है छांट के लिखने हैं, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस ये जो थर्ड जो है स्टूडेंट्स वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो स्टूडेंट्स जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, चीज़ों को बताता है कि वो चीज़ें जो है स्पेसिफिक कहाँ है किसकी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उसके लिए हमें दिस दैट दोज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो रीड दिस पैसेज बिलो, नोटिस द यूज ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इट। देयर आर द गिफ्ट दैट माय आंट गेव मी लास्ट ईयर, यहाँ पे क्या है गिफ्ट है जो मेरी यस आंट ने दिए थे मुझे लास्ट ईयर। दैट इज द बॉक्स इन विच माय आंट, यस माय आंट brought all these gifts, yes my favorite among these is the diary of the guru, yes Gyura you must read this। तो यहाँ पे जो भी आपको स्टूडेंट्स this that दोज दिस दिखेगा वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर एक वचन है सिंगुलर अगर है जैसे बुक है तो उसके लिए दिस लगाएंगे क्योंकि एक बुक है, अगर वही बुक्स होता तो उसके लिए दिस लगाते मीन्स यह बुक क्या है तो दिस इज यस दिस बुक इज हियर, लेकिन वही वहाँ पे है तो अगर और बहुत सारे हैं तो दोज आर द बुक्स, वो बुक्स वहाँ है, ऐसे सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। यस स्टूडेंट्स नाउ सी जो द अबव वर्ड्स जो वर्ड्स है इन द बोल्ड रिप्लेस और पॉइंट टुवर्ड्स द नाउन एंड आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इनको क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिमेंबर दैट दिस एंड दोज आर द ऑल्सो यूज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर डिटरमाइनर्स। When these words qualify noun, they play the role of demonstrative adjective. इस तरह से जो है ये क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। व्हेन दिज वर्ड्स क्वालिफाई नाउन, जब ये नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं प्ले द रोल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तब ये क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल्स, आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, यस इस ड्रेस का जो कलर है उसे मैं क्या करती हूँ लाइक करती हूँ, आई लाइक कलर ऑफ दिस ड्रेस। Here this
इज यूज्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे जो हियर यूज किया गया है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस। यस, नाउ सी स्टूडेंट्स, फोर टाइप्स आर काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है दैट इन जो है आस्क क्वेश्चंस, जिसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, व्हेन डज मोहन कम, ओके लाइक दैट। ये सब व्हाट, हुज, व्हिच, ये सब क्या हुए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नाउ सी फिफ्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है सच इज माई सेल्फ, हर सेल्फ, मैंने मतलब बोला कि मैंने अपना काम जो है कर लिया, कंप्लीट कर, तो आई यस डन माई वर्क माई सेल्फ, डन वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद से किया, उसने अपना काम कर लिया, तो योर सेल्फ, उन लोगों ने, तो देम सेल्फ, इस तरह से हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, अगर प्लूरल होगा तो फिर सेल्फ में सेल्फ्स हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सच इज द माई सेल्फ, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लुक द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी जो हम कैसे यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वो हम देखेंगे। यस, जेब्रा मैनेज टू सेव हर सेल्फ। जेब्रा ने क्या किया, खुद से मैनेज किया। यस, क्या किया, हर सेल्फ मैनेज किया। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मीन्स खुद का क्या करो, हेल्प करो। यू मस्ट बूस्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग टाइम ऑफ द क्राइसिस। इस तरह से वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए आवर सेल्फ, अपने आप को, ड्यूरिंग टाइम ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे। नाउ स्टूडेंट्स सी, यहाँ पर हम देखेंगे पर्सन नंबर्स जेंडर। अगर जो पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा तो उसका पर्सनल जो प्रोनाउन होगा वो होगा आई, उसका रिफ्लेक्टिव जो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा वो माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ। और फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये फर्स्ट पर्सन ही वी भी होता है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन जो ये प्लूरल होता है, वी मीन्स हम लोग, मीन्स बहुत सारे लोग, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो आवर सेल्फ होगा। इस तरह से आप जो देख सकते हैं। नाउ सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दैट इज द सिक्स वन। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सच इज ईच, आइदर एंड नाइदर, रिफर टू द पर्सन आर थिंग्स, टेक्स अ यूनिट। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है, जैसे सच, एज, आइदर एंड नाइदर, ये जो रिफर्स करता है प्रोनाउंस को या फिर थिंग्स को, जो टेक्स ये टेक एन इन अ यूनिट, जो यूनिट के रूप में लेते हैं। लुक एट द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं ये देखेंगे। ईच ऑफ देम टूक टर्न्स टू हेल्प आउट द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, ईच, आइदर, मीन्स वो, मीन्स ये आइदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं। तो यहाँ पर ईच, नाइदर, आइदर सब क्या है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। नाउ सी सेवेंथ वन इज द इनडिफिनिट। यस, इनडिफिनिट प्रोनाउंस सच इज द समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबडी, ऑल, नॉन, सम, सेवरल, फ्यू, एनी, मेनी, अदर, एवरीवन, एनीवन, नथिंग, रिफर्स टू पर्सन आर थिंग्स इन अ जनरल वे। इस तरह से ये दिस थिंग्स आर नॉट डेफिनेट स्पेसिफिक आर एग्जैक्ट। और इस तरह से जो ये जो है होते हैं पर्सनल थिंग्स, ये जनरल होते हैं, दीज आर नॉट डेफिनेट, ये जो है डेफिनेट नहीं होते हैं, स्पेसिफिक या फिर एग्जैक्ट नहीं होते हैं। लुक एट द यूज, यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स के थ्रू, समबडी हैज लेफ्ट द डोर ओपन, समवन, समबडी मीन्स किसी ने क्या किया, डोर ओपन ही छोड़ के चला गया। तो इस तरह से समबडी हुआ, क्या हुआ जो है स्टूडेंट्स, ये हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन, मीन्स चीज़ों को हम डेफिनेट नहीं कर सकते हैं, मीन्स कौन किया है हमको पता नहीं चलता है, मीन्स अनिश्चित है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट, नॉट डेफिनेट, ओके। फ्यू एस्केप्स पनिशमेंट दैट मॉर्निंग,
फ्यू मीन्स कुछ, यू डोंट नो कौन मतलब कुछ कितने, ठीक है, फ्यू बता रहा मीन्स थोड़े लोग, ठीक है। तो इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सी एट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इज द रिलेटिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन्स सच इज हु, विच, दैट, हुम, हुज, वॉट, लिंक ए फ्रेज आर अ क्लॉज टू द अनदर इन द सेंटेंसेस। इस तरह से इनका जो है लिंक होता है। लुक एट द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ यूज है रिलेटिव प्रोनाउंस का इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय हु केम विथ माई फादर स्टडे इज माई ब्रदर। मीन्स यहाँ पे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। मीन्स दो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जो है रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके स्टूडेंट्स फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, उनको ही हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो द बॉय हु केम विथ माई फादर। तो यहाँ पे हु जो है क्या स्टूडेंट्स,